धार जिले में अधिकारियों को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि खासे परेशान हो रहे हैं। सीईओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत के खिलाफ भाजपा सरकार में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तथा बदनावर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर उन्हें कटघरे में ला खड़ा किया, जो जिले में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जिले के बदनावर में जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में जनपद पंचायत अध्यक्ष आशा कुंवर सोलंकी, उपाध्यक्ष ममता पाटीदार और कई महिला और पुरुष जनपद सदस्य शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष आशा कुंवर सोलंकी, उपाध्यक्ष ममता पाटीदार और जनपद सदस्यों द्वारा क्षेत्र में हो रहे काम को लेकर बातचीत करना चाहिए, किंतु बदनावर जनपद सीईओ राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार करते हुए उन्हें निर्माण कार्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। जनपद सीईओ की व्यवहार आपत्तिजनक लगा। इसको लेकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश जनपद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर सभा कक्ष से बाहर निकल गए। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा जनपद सीईओ राजेंद्र सिंह परिहार के विरोध में निंदा प्रस्ताव भी जारी किया गया। जनपद अध्यक्ष आशा कुंवर सोलंकी और उपाध्यक्ष ममता पाटीदार का कहना है, जब तक सीईओ का को यहां से हटाया नहीं जाता तब तक जनपद की बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दो दिन पहले भी धार जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत की बैठक में सीईओ जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया था। ऐसा माना जा रहा है कि जिले में अधिकारी लगाम हो गए हैं जो किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते। भाजपा सरकार में भाजपा के ही प्रतिनिधियों की इस तरह की उपेक्षा से भाजपा के अंदर ही आक्रोश पनप रहा है। क्यों बहिष्कार किया गया? ये सीईओ अपनी चलाता है और किसी की सुनता नहीं है। आज मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में गए थे, हमारी नहीं सुनी और हमारा बाकी सीओ अपने अकॉर्डिंग ही पूरी जनपद चला रहे हैं। अगर शासकीय तरीके से जनपद चलानी है तो आज हमें मीटिंग में क्यों बुलाया गया? जब जनपद सीओ ही चला रहा है तो वो उनके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। शासकीय कर्मचारियों की मीटिंग लेनी थी आपको, तो आप वही तो बदनावर में ही रहते हैं, आप उनकी मीटिंग कभी भी ले सकते थे, पर हम सभी जनपद सदस्यों को क्यों बुलाया गया और बुलाया और हम इस मीटिंग का आज बहिष्कार करते हैं? इसलिए कि 2 साल से हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी ये कार्यप्रणाली आपने दी है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पर आज तक हमको कोई भी उस पर सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिया गया है। हम जनता के बीच में रहते हैं तो उनको सारे जवाब हमको देना रहते हैं कि क्या चल रहा है जनपद में क्या नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, सीओ तो आज यहाँ है, कल वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका, तो पर हम तो यहीं रहते हैं, हमको जनता के बीच में रहना है, हमको जवाब देना है। उनको बहुत सारे वादे हमने चुनाव के टाइम पर जनता से किए हैं, तो उनका भी सही है कि उनने हमको वोट दिया है, तो उनका पूरा हक है कि वो हमको ये सब उनकी समस्याएं बताएं। अब सीओ यहाँ हमारी चलने नहीं देता, अपनी अपनी मनमानी चला। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।